हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल. आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर. आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स, एक्सरसाइज 2.3, क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.3. और इसका सॉल्यूशन आप मेरे ब्लॉग पे जाके भी देख सकते हैं. क्वेश्चन इज, गिव एग्जांपल्स ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स क्यू जी एक्स क्यू एक्स एंड आर एक्स विच सेटिस्फाई द डिविजन एल्गोरिदम. आपको ऐसे एग्जाम्पल देने हैं जिसमें पी एक्स क्या होता है, डिविडेंड, जी एक्स इज डिवाइजर, क्यू एक्स इज कोशेंट एंड आर एक्स क्या होता है, रिमाइंडर. तो आपको यहाँ पे ऐसे एग्जाम्पल बताने हैं जिसमें पी एक्स जी एक्स क्यू एक्स और आर एक्स आपको खुद लेना है कि डिग्री ऑफ पी एक्स है वो डिग्री ऑफ क्यू एक्स ही इक्वल होनी चाहिए और डिविजन एल्गोरिदम भी फुलफिल होनी चाहिए. सेम यहाँ पे सेकंड पार्ट में डिग्री ऑफ क्यू एक्स डिग्री ऑफ आर एक्स की इक्वल होनी चाहिए और लास्ट में डिग्री ऑफ आर एक्स क्या होना चाहिए, जीरो. तो हम यहाँ पे फर्स्ट पार्ट देखते हैं. फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे डिग्री ऑफ पी एक्स लेना है. तो यहाँ पे अब आपको ये खुद अपने अकॉर्डिंग ले लेना है, कोई भी पॉलिनोमियल आप ले सकते हो, लेकिन वहां पे डिवीजन एल्गोरिदम सेटिस्फाई होनी चाहिए. तो मैं यहाँ पे पी एक्स लेती हूँ. लेट कि मैंने यहाँ पे पी एक्स लिया, 2x² -2x + 14. ओके, ये मैंने पी एक्स लिया. तो फर्स्ट पार्ट में हमें प्रूव करना है कि ये शो करना है कि पी एक्स की डिग्री है वो क्यू एक्स की डिग्री के इक्वल होनी चाहिए. मतलब कि जो डिविडेंड की डिग्री है वही डिग्री किसकी होनी चाहिए, कोशेंट की भी होनी चाहिए. तो अब आप यहाँ पे देखो, अब आपको इसके अकॉर्डिंग डिवाइजर लेना है. तो हमने यहाँ पे जी एक्स को ऐसा लेना है कि हम उस डिवाइजर से अगर इस उस पॉलिनोमियल से अगर हम इस डिविडेंड को डिवाइड करें तो उसकी डिग्री कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे दोनों की डिग्री क्या है, इक्वल है. तो इसकी डिग्री 2 है तो कोशेंट की डिग्री भी कितनी होनी चाहिए, 2 ही होनी चाहिए. तो अगर हम यहाँ पे जी एक्स की जगह पे कोई भी एक वेरिएबल ले लेंगे तो उसकी डिग्री कम हो जाएगी, क्योंकि डिवाइड करने पर तो आप अगर आप वेरिएबल लोगे तो उसके अकॉर्डिंग कोशेंट की डिग्री में डिवाइड हो जाएगा और डिग्री क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. मैं यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल से, जैसे देखो अभी हमने जस्ट अभी ये वाला क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 4. ओके, अब यहाँ पे देखो ये एक्स क्यूब है, यहाँ पे डिग्री 3 है इस क्वेश्चन की और हमने इसको 1 डिग्री से डिवाइड किया है. तो देखो क्वेश्चन में एक डिग्री कम हो गई ना, ये 2 से स्टार्ट हो रहा है, फिर इसकी डिग्री 1, फिर 0 है, क्योंकि यहाँ पे एक डिग्री कम है. तो जितनी भी डिविडेंड की डिग्री है उसमें से अगर डिवाइजर की डिग्री को सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 - 1 के, तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 2 आ रहा है. तो अगर मैं यहाँ पे ये जो मैंने लेट किया 2x² - 2x + 14, अगर इसमें से मैं जी एक्स की जगह एक्स भी ले लिया, लेट की अगर एक फैक्टर इसी x - 2 से ही डिवाइड किया तो उसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 2 - 1, क्योंकि इसकी डिग्री डिविडेंड की डिग्री 2 है, डिवाइजर की डिग्री 1 है. तो 2 - 1 यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी. तो लेकिन हमें डिग्री 1 नहीं चाहिए, हमें डिग्री यहाँ पे जितनी डिविडेंड की डिग्री उतनी ही हमें क्वेश्चन की डिग्री चाहिए. तो मैं क्या करूंगी कि मैं जो भी नंबर से यहाँ डिवाइड करूंगी उसमें एक भी वेरिएबल नहीं लेंगे, वेरिएबल नहीं लेके कोई भी सिंगल नंबर ले लेते हैं, कोई भी नेचुरल नंबर ले लेते हैं. तो क्योंकि यहाँ पे 2 2 2 मल्टीपल है, ये 2 यहाँ पे भी 2, तो मैं जी एक्स यहाँ पे 2 ले लेती हूँ. ओके, अब अगर हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो इसकी डिग्री यहाँ पे क्या होगी, चेंज नहीं होगी, क्योंकि कोई वेरिएबल ही नहीं है जो इसकी डिग्री को यहाँ पे चेंज कर सके. तो आप यहाँ पे डिवाइड करके देख लेते हैं, क्योंकि डिवीजन एल्गोरिदम को हमें यहाँ पे सेटिस्फाई करना है. तो ये मैंने यहाँ पे डिवाइड करके, ये वैसे भी यहाँ पे देखो यहाँ से 2 2 2 कॉमन आ रहा है, सिंपली यहाँ पे देखो पी एक्स यहाँ पे हम दिस इम्प्लाइज ये नाउ पी एक्स, क्योंकि पी एक्स को हम जी एक्स से डिवाइड करते हैं तो पी एक्स अपॉन जी एक्स क्या आना चाहिए यहाँ पे, 2x² - 2x + 14. क्योंकि सिर्फ नंबर है इसलिए मैं उसको कंप्लीट डिवीजन मेथड नहीं ले रही हूँ, क्योंकि वेरिएबल होता क्योंकि यहाँ तो हम कंप्लीट डिवीजन मेथड लेते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ नंबर है इसलिए डिवाइड नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सिंपल कॉमन लेके भी यहाँ पे हो जाएगा. तो ये 2 मैंने कॉमन ले लिया, तो ये क्या हो गया, x² - x + 7/2. तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आपका क्या हो गया, x² - x + 7, क्योंकि आप डिवाइड करते हो तो ये क्या हो जाता है, कोशेंट होगा. तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया, कोशेंट. और आप यहाँ देख रहे हो कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, 2 से आपने डिवाइड किया तो ये कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, तो रिमाइंडर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0. तो दिस इम्प्लाइज यहाँ पे क्यू एक्स कितना हो गया, x² - x + 7, और रिमाइंडर यहाँ पे कितना हो गया, 0. देखो कंप्लीट डिवाइड हो रहा है ना, 2 से ये 2 पूरा कैंसिल हो गया, रिमाइंडर तो कुछ बचा ही नहीं यहाँ पे, तो ये रिमाइंडर क्या हो गया यहाँ पे, 0. अगर ये मैंने यहाँ पे कंप्लीट डिवाइड इसलिए नहीं किया क्योंकि हमने जो जी एक्स लिया उसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है. तो जब भी आपको डिग्री डिविडेंड की डिग्री कोशेंट की डिग्री के इक्वल होगी तो जी एक्स में हम कोई भी वेरिएबल नहीं लेंगे, सिंपल कोई भी नेचुरल नंबर हम यहाँ पे ले लेंगे, तो उसे डिवाइड करने से डिग्री चेंज नहीं होगी. ओके, नाउ हम यहाँ पे देखते हैं सेकंड पार्ट के लिए कौन सा एग्जांपल हम लेंगे, कौन से
पॉलिनोमियल्स लेंगे जिससे कि हमारा डिवीजन एल्गोरिदम सेटिस्फाई हो जाए। तो यहाँ पे हमें गिवन है डिग्री ऑफ क्यू एक्स, क्यू एक्स यानी क्वोशन की डिग्री और रिमाइंडर की डिग्री यहाँ पे क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो क्वोशन की डिग्री और रिमाइंडर की डिग्री यहाँ पे सेम चाहिए। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे डिविडेंड से स्टार्ट करते हैं कि हम ऐसा डिविडेंड और डिवाइजर क्या लें कि इन दोनों की डिग्री यहाँ पे सेम रहे। तो मैं यहाँ पे ऐसा, तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, पी एक्स और जी एक्स की डिग्री को हम सेम ले लेते। तो मैंने लेट की पी एक्स लिया है 4x² + 4x + 4, और यहाँ पे जी एक्स जिससे कि हम डिवाइड करेंगे डिवाइजर, उसको मैंने लिया है x² + x + 1। तो ये आपको खुद सोच के लेना है कि आपको कैसे कैलकुलेशन बिठानी है। तो ये दोनों की डिग्री मैंने यहाँ पे क्या लिया, सेम ले लिया। सेम लेने से क्या होगा, ये डिवाइड करेंगे तो क्वोशेंट भी हमारा, क्योंकि एक्स, क्योंकि हमें पता है जब हम डिवाइड करते हैं, जैसे यहाँ पे ये देखो मैंने डिवाइड किया, तो हम इसकी फर्स्ट टर्म को इसकी फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे और ये वैल्यू हम लेकर आते हैं जो कि हमें क्वोशेंट चाहिए होता है। तो यहाँ पे दोनों को सेम रखने का क्या मतलब है कि ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएंगे और क्वोशेंट हमारा वेरिएबल की फॉर्म में, नंबर सॉरी नंबर की फॉर्म में आ जाएगा, नेचुरल नंबर की फॉर्म में। मीन्स कि क्वोशेंट में कोई भी वेरिएबल नहीं आएगा और उसके अकॉर्डिंग फिर रिमाइंडर में भी नहीं आएगा। तो इसको हम यहाँ पे डिवाइड करके देख लेते हैं। ये मैंने यहाँ पे डिवाइड किया 4x² + 4x + 4 को डिवाइड किया मैंने x² + x + 1 से। तो यहाँ पे पहले हम क्वेश्चन फाइंड कर लेते हैं। क्वेश्चन फाइंड के लिए इसकी फर्स्ट टर्म को इसकी फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं। तो 4x² / x² कैंसिल, क्वेश्चन कितना आ गया 4। तो ये हमारा क्वेश्चन आ गया 4। अब इस 4 को हम मल्टीपल कर रहे हैं x², इस क्वेश्चन को मल्टीपल कर रहे हैं हम x² + x + 1 से। तो ये हमारा आ गया 4x² + 4x + 1। तो ये कंप्लीट कैंसिल हो जाएगा, 4x² + 4x + 1। साइन चेंज, तीनों पॉजिटिव तीनों नेगेटिव हो जाएंगे, ये भी कैंसिल, प्लस माइनस, और यहाँ पे 4 आएगा यस, और ये 4 - 4 0। तो यहाँ पे देखो दोनों की डिग्री सेम है क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट नंबर की डिग्री कितनी होती है, 0 होती है। तो यहाँ पे क्यू एक्स हमारा 4 है और आर एक्स हमारा यहाँ पे 0 है, और दोनों की डिग्री भी कितनी है, 0। तो यहाँ पे ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो इस कंडीशन के लिए पी एक्स हमारा ये है, जी एक्स हमारा ये है, और कोशेंट हमारा यहाँ पे कितना आ रहा है 4, और रिमाइंडर हमारा यहाँ पे कितना आ रहा है 0। तो ये कंडीशन फुलफिल हो रही है कि हेयर हेयर डिग्री ऑफ क्यू एक्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ आर एक्स। तो ये यहाँ पे डिग्री ऑफ क्यू एक्स इक्वल टू डिग्री ऑफ आर एक्स हो गया। ओके, नाउ हमें यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में यहाँ प्रूफ करना है थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन में हमें बताना है कि डिग्री ऑफ आर एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ हमें ये प्रूफ करना है कि ऐसा ऐसा हमें पी एक्स क्यू एक्स लेना, पी एक्स और जी एक्स लेना है कि जब आप उनको डिवाइड करो तो आपकी आर एक्स की डिग्री कितनी आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। तो अभी ये भी हमने डिवाइड किया, ये भी एग्जाम्पल आप यहाँ पे ले सकते हो कि यहाँ पे डिग्री ऑफ आर एक्स कितनी है, 0 ही आ रही है। और इसके अलावा यहाँ देखो अभी हमने जिसे उससे जस्ट फोर्थ पार्ट किया था क्वेश्चन का, ये हमने जो इससे ऊपर वाला फोर्थ क्वेश्चन किया है इसमें भी हमने जब इसको डिवाइड किया है तो यहाँ पे भी डिग्री कितनी आ रही है, ये 0, क्योंकि रिमाइंडर हमारा 0 है, एक नंबर है, होल नंबर है या नेचुरल नंबर, कोई भी नंबर होता है उसकी डिग्री क्या होती है, 0। तो आप यहाँ पे अब इसको सॉल्व करके आप देख लो, कोई भी आप डिवाइड ले लो जिसको डिवाइड करने पर रिमाइंडर कोई नंबर आना चाहिए, कोई कांस्टेंट नंबर आ सकता है या फिर 0, रिमाइंडर 0 आएगा तब भी उसकी डिग्री कितनी होगी, यहाँ पे 0। नहीं तो मैं आपको एक और एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख के बता देती हूँ, आप उसको डिवाइड करके देखना, ये डिग्री भी यहाँ पे क्या आएगी, 0। तो ये एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एग्जाम्पल इज पी एक्स को हम ले लेंगे x³ + 2x² - x + 2, और जी एक्स को हम यहाँ पे ले लेते हैं x² - 1। अब हम यहाँ पे इसको डिवाइड करके देखते हैं क्या इसकी डिग्री 0 आती है नहीं, तो ये आपको खुद लेना है x³। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आज तक कभी एग्जाम में आया नहीं है, बट क्योंकि ये एनसीईआरटी बुक में इसलिए मैं इसको सॉल्व करवा रही हूँ। तो मैं x³ को x² से डिवाइड किया, तो x³/x², क्वेश्चन यहाँ पे कितना आ गया, 2 से 3 कैंसिल, मतलब 3 - 2 1 हो गया। तो ये हो गया हमारा x, क्वेश्चन हमारा यहाँ पे आ गया x। नाउ हम x को मल्टीपल करते हैं x² - 1 से, तो ये हो गया x³ - x। तो यहाँ पे हमने राइट किया x³ और डिग्री के अकॉर्डिंग ये -x, माइनस प्लस कैंसिल कैंसिल, यहाँ से बच गया हमारा 2x² + 2। तो नेक्स्ट के लिए 2x²
डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, इस टर्म को इससे डिवाइड किया तो ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, 2 बच गया। 2 को हमने मल्टीपल किया एक्स स्क्वायर माइनस 1 से, तो ये बच गया 2x, ये हमारे यहाँ बच गया 2x² माइनस 2, ये हमने यहाँ राइट किया 2x² माइनस 2, साइन चेंज, माइनस प्लस ये कैंसिल, यहाँ बच गया 4। ये देखो यहाँ रिमाइंडर बच गया, तो यहाँ से कोशेंट यहाँ पे कितना आएगा, प्लस 2। ओके, तो कोशेंट यहाँ से कितना आ गया हमारा x प्लस 2, और रिमाइंडर कितना आ गया हमारा यहाँ पे 4। तो 4 है, तो यहाँ पे दिस इम्प्लाइज डिग्री ऑफ आर एक्स, डिग्री ऑफ आर एक्स इक्वल टू 0। कोई वेरिएबल ही नहीं है इसके साथ में, तो इसकी डिग्री कितनी हुई, 0 हो गई। तो ये मैंने आपको इस तीनों के एग्जाम्पल बता दिए, ये आपको अपने आप से देख के लिख रहे हैं प्लीज। और कोई अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अदरवाइज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको डेली अपडेट मिलते रहे। थैंक यू।